आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज 4 अप्रैल की शाम की सभी बड़ी खबरों को जानेंगे कि करके कि ट्रेन बस और यहां पर एयरलाइंस के लिए टिकट का बुकिंग होगी और पीएम मोदी पर आखिर यहां पर ममता और राहुल गांधी ने क्या कहा है, इसको लेकर भी बड़ी खबर है। इसके अलावा जो अब देश के अंदर हालात है उस पर किस प्रकार से काबू पाया जा रहा है। तो पहली बड़ी खबर जो है वो राहुल गांधी और ममता बनर्जी से जुड़ी हुई है, जो कि पीएम मोदी पर जमकर उन्होंने ताना साधा है। दरअसल आपकी जानकारी के द्वारा कि पूर्व यहां पर अध्यक्ष राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। दरअसल पीएम मोदी ने जो 5 अप्रैल को दिया जलाने की बात कही थी, इस पर ही यहां पर अब राजनीति गर्मा चुकी है। राहुल गांधी ने दुनिया के कई प्रमुख देशों और भारत में कोरोना की जंग के आंकड़ों से जुड़ा एक ग्राफ साझा करते हुए ट्वीट किया है, भारत कोविड-19 लड़ने के लिए पर्याप्त जांच नहीं कर रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नाम वगैरह ही लिए तंज कसा है, लोगों से ताली बजाने और दिया जलाने पर एक बड़ा समस्या यहां पर राहुल गांधी को लग रही है। लेकिन आपको क्या लगता है पीएम मोदी के लिए, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तबलीगी जमात पर, यहां पर राज ठाकरे की बिगड़े बोल, साफ तौर पर कहा कि ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए। इसके अलावा यहां पर अगर बात तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की तलाश, अब 22,000 पर किए गए हैं क्वारंटाइन और देश में अब सामने आ चुके हैं 2902 केस। संक्रमण केसों में 30% तबलीगी जमात से लोग जुड़े हैं, ऐसे आंकड़े कई बड़े निश्चय और अखबारों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है। दरअसल 1023 लोग इस संक्रमण यानी जमात से पॉजिटिव पाए गए हैं। और यहां पर बड़ी खबर और भी निकल कर आ रही है, जिनमें यूपी से अगर बात करें तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि अगर समस्याएं काबू में रहती हैं और हालांकि 15 तारीख से लॉकडाउन खुलने की तैयारी और इसके कार्यक्रम अभी तो शुरू होने लगे हैं, लेकिन क्या है और पूरी जानकारी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो 30 अप्रैल तक एयर इंडिया की सभी उड़ानें रद्द रहेंगी और जो टिकट बुकिंग है उस पर भी अभी संशय बना हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो अब जो है बड़ी खबर यहां पर बारिश को लेकर है और तबलीगी जमात से जुड़े 17 राज्यों के 1023 लोग कोरोना संक्रमित, देश के कुल मामलों में 30%, ऐसी जानकारी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सामने निकल कर आ रही। 4 अप्रैल शाम की बड़ी खबर निकल कर आ रही। इसके अलावा लॉकडाउन हटेगा या नहीं, इस पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद उद्धव ठाकरे का भी बयान सामने आया। महामारी को लेकर देश में 21 दिन का लॉकडाउन है, जो कि 14 अप्रैल को खत्म होना है, लेकिन देश में इस वक्त के जो हालात है उसको देखते हुए अब सवाल ये है कि लॉकडाउन 14 अप्रैल को खत्म होगा या नहीं। इसके अलावा जो है बड़ी खबर, पीएम मोदी जरूर चिकित्सा उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश, सभी यहां पर विभाग देख चुके हैं। इसके अलावा पीएम मोदी 8 अप्रैल को एक और नई यहां पर जानकारी देंगे, जिसमें सभी विपक्ष के बड़े नेताओं को यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस महामारी से निपटने के सुझाव साझा करेंगे। जांच हो चुकी है तो मरीजों की संख्या अब जो है 29 तो पार हो सकती है, जब तक ये वीडियो अब तक पहुंचे इसकी संख्या बढ़ भी सकती है, जिस प्रकार के हालात है तो जो है लगातार इस महामारी में इजाफा हो रहा है। तो पीएम मोदी का आग्रह है कि 5 अप्रैल को जो है दिया जलाने के लिए जो आपके लिए अनुरोध किया है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और तबलीगी जमात के कारण 17 राज्यों पर फैला संक्रमण का खतरा, ऐसा जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही। इसके अलावा बिजली मंत्रालय ने 5 अप्रैल को रात 9 बजे पावर डिप की सत्ता की आशंका को खारिज कर दिया है। इस पर जो है प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को देश के नाम पर अपने संदेश में 5 अप्रैल को रात के 9:09 तक बिजली बंद करने, दिया जलाकर टॉर्च या मोबाइल रोशनी की अपील की है। अलावा लॉकडाउन 15 अप्रैल से चलेंगे निगास ट्रेनें और ड्राइवर गार्ड और टीटी को जो है टाइम टेबल भेजा गया, तो ये बड़ी खुशखबरी की भी बात निकल कर आ रही है। दोस्तों ये कुछ बड़ी खबरें, अहम खबरें निकल कर सामने आ रही थी, फिर भी आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाली जानकारी का नॉरिशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे।